Okay, dear students, welcome back to my next lecture. So today we are going to start antonym and synonym. So dear students, in the last class you learnt about noun, adjective, adverb and verb. और आपने लास्ट क्लास में ये भी सीखा है कि हम वर्ब से नाउन में किस तरह से उसको कन्वर्ट करते हैं, नाउन को एडजेक्टिव में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और जो भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वर्ड्स को लेकर के वो आपको अच्छे समझ में आई है। तो चलिए, आज सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, सेगशियस, एस ए जी ए सी आई ओ यू एस, सेगशियस। अगर मैं सेगशियस वर्ड के रूट वर्ड के बारे में बात करूं, रूट वर्ड आर ओ ओ टी, रूट वर्ड, तो देखिए इसका रूट वर्ड होता है सेगेक्स, एस ए जी ए एक्स, सेगेक्स, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, एल ए टी आई एन, लैटिन लैंग्वेज, राइट। और जिसका मीनिंग होता है बेसिकली, वाइज, डब्ल्यू आई एस ई, वाइज, राइट, बुद्धिमानी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इन द शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि रूट वर्ड क्या होता है। देखिए, हम इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स को पढ़ते हैं या फिर सीखते हैं वो किसी ना किसी वर्ड से डिराइव होता है, यानी किसी ना किसी वर्ड से लिया जाता है। तो जिस वर्ड से वो लिया जाता है या फिर जिस वर्ड से वो बनता है उसी वर्ड को हम बोलते हैं बेसिकली रूट वर्ड, राइट। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमें पता है सेगेक्स, ठीक है, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है और जिसका मतलब होता है वाइस। अब इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जिन जिन वर्ड्स में सेगेक्स यानी कि ये वाला वर्ड यूज होगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं रिलेटेड किससे होना है, वाइस से, यानी कि बुद्धिमानी यानी चतुराई से। तो देखिये, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेगशियस, राइट। अब देखिए यहाँ पे सेगा, एस ए जी ए, ये वर्ड इसमें यूज हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये तो कह सकते हैं ना कि इस वर्ड का मीनिंग कहीं ना कहीं वाइस से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये वर्ड क्या होगा, यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब, नाउन या फिर वर्ब, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं इस वर्ड के लास्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ऐड हो रहा है, आई ओ यू एस ऐड हो रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आई ओ यू एस ऐड होता है उस वर्ड को हम बोलते हैं बेसिकली एडजेक्टिव, राइट। अब ये बात आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद होनी चाहिए कि जिस भी वर्ड के लास्ट में हम ओ यू एस ऐड करने वाले हैं या फिर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। अगर डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछता हूं कि इसका हम एडवर्ब किस तरह से बना सकते हैं, अब हमने तो लास्ट क्लास में पढ़ा है कि एडजेक्टिव से हम हमेशा क्या बनाते हैं, एडवर्ब, और कैसे बनाते हैं, हम एलवाई ऐड करके। तो आइए हम इसका एडवर्ब बनाते हैं, एडवर्ब कैसे बनेगा इसका, तो एस ए जी ए पूरा वर्ड एज इट इज, सी आई ओ यू एस, और लास्ट में क्या एड करना होता है, एलवाई, हमने सीखा लास्ट क्लास में। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर एडवर्ब, ए डी वी ई आर बी, एडवर्ब, राइट। इतना समझ आया आपको? अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं इसका नाउन किस तरह से बन सकता है, तो नाउन बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने जो ये वर्ड है सेगशियस, एस ए जी ए सी आई ओ यू एस, इसके लास्ट में मैंने एन ई एस एस ये वर्ड ऐड किया, सेगशियसनेस, राइट। तो देखिए, जब भी हम किसी वर्ड के लास्ट में एन ई डबल एस यानी कि ये चीज यूज करते हैं तो वो वर्ड बन जाता है वहां पर नाउन, एन ओ यू एन, नाउन। और हम और हमें पता है जिस भी वर्ड के लास्ट में हम इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जैसे एल वाई मैंने यूज किया यहाँ पर, एन ई एस एस और आई ओ यू एस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वहां पर बोलते हैं सफिक्स, एस यू एफ एफ आई एक्स सफिक्स, राइट स्टूडेंट्स। इतना समझ में आ रहा है आपको? देखिए, एक वर्ड के एक से ज्यादा भी नाउन हो सकते हैं, राइट। जैसे इसका एक नाउन मैं बना सकता हूं, एस ए जी ए सी आई T
टी वाई सेगा शिटी, राइट। तो जिसके भी लास्ट में टी वाई एड होता है उसको भी हम बोलते हैं नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको थोड़ा सा अभी डिफिकल्टी फील हो रही होगी कि यार हम किस तरह से इसका नाउन बनाते हैं, किस तरह से एडजेक्टिव बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बिल्डअप होता चला जाएगा। देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ भाई, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है इस बात का कि वर्ड से वर्ड में नाउन को एडजेक्टिव से किस तरह से बनाते हैं, एडजेक्टिव को एडवर्ब में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो देखिए हमने ये तो सीखा है कि एक पर्टिकुलर वर्ड का एडजेक्टिव किस तरह से बनाया मैंने, एडवर्ब किस तरह से बनाया मैंने, नाउन किस तरह से बनाया, राइट। अब देखिए मैं इसका एक नाउन और बना सकता हूं, इसका एक नाउन होगा यहां पे एस ए एस ए जी ई से, राइट। से ये भी क्या होगा यहां पे नाउन होगा बेसिकली, राइट। इतना समझ में आ रहा है। देखिए सैगेशियस का मतलब होगा बुद्धिमान। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बुद्धिमान है तो ये क्या है, ये मैं आपकी क्वालिटी बता रहा हूं, तो सैगेशियस क्या होगा यहाँ पर एडजेक्टिव। देखिए सैगेशियसली मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी काम बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से करते हैं, बुद्धिमानी से करते हैं, तो वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है द मैनर, यानी कि आपका काम करने का ढंग। और जो भी वर्ड मैनर को शो करता है, यानी काम करने के ढंग को शो करता है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब, राइट। इतना समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे सैगेशियसनेस, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा है कि जिस क्लास में अगर हम सफिक्स एन ई एस एस ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम वहां पर नाउन। तो देखिए यहाँ पे सैगेशियसनेस नाउन है, और नाउन क्या होता है, जिसको भी हम देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है बुद्धिमानी। तो देखिए आप बुद्धिमानियों के आप देख सकते हैं लेकिन फील तो कर सकते हैं ना, तो इसीलिए इट वुड बी कॉल्ड नाउन, राइट स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए अब सबसे पहले हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है सिनोनिम एस वाई एन ओ एम वाई एम सिनोनिम, राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। अब देखिए हमने हिंदी में पर्यायवाची तो मतलब पढ़ा है, जैसे मैंने बोला कि हम बादलों क्या बोलते हैं, अंबर या एटसेटर जो भी बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिनोनिम का मतलब होता है कि अगर इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं है ना कोई दूसरे वर्ड का, तो वो वर्ड इसके नियर बाय होना चाहिए, यानी कि उसका मीनिंग इसके मीनिंग से कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए, तो उसको भी हम सिनोनिमिक कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहला मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है, सबसे पहला हमारा वर्ड आता है, अगर आपको विजिबल हो रहा है तो मैंने यहां लिखा परस्पिकैशियस, पी ई आर एस पी आई सी ए ओ यू एस परस्पिकैशियस। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि परस्पिकैशियस कौन सा वर्ड हो यहां पे, अभी हमने पढ़ा है कि दिन के लास्ट में ओ यू एस आता है, उनको हम क्या बोलते हैं वहां पर एडजेक्टिव, राइट स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है आपको। देखिए अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखता हूं, मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है सेंसिबल, एस ई एन एस आई बी एल ई सेंसिबल, राइट। सेंसिबल का मतलब क्या होता है, समझदार, तो मैंने यहां पे लिखा समझदार। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेंसिबल यहां पे कौन सा वर्ड होगा तो आप मुझे बोलेंगे कि ये होगा यहां पर एडजेक्टिव। वाई, क्योंकि ये बता रहा है किसी की भी क्वालिटी की, एक पर्टिकुलर इंसान क्या है यहां पर समझदार, राइट। देखिए मैंने यहां पे एक नेक्स्ट वर्ड लिखा है यहां पर सैपियंट, एस ए पी आई ई एन टी सैपियंट। सैपियंट का मतलब होता है बुद्धिमानी, ठीक है, बुद्धिमानी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर बुद्धिमानी जो मैंने एक वर्ड लिखा है, यानी कि सेकंड जो मैंने यहां पे वर्ड लिखा है, तो ये वर्ड क्या होगा यहां पर, आप बोलेंगे कि ये वर्ड भी यहां पर क्या होगा एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की क्वालिटी के बारे में, राइट स्टूडेंट। इतना समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैं नेक्स्ट वर्ड यहां पर लिख सकता हूं वाइज, डब्ल्यू आई एस ई वाइज। वाइज का मतलब क्या होता है, चतुर,
और ये भी क्या होगा मेरा यहाँ पर एडजेक्टिव, राइट, क्योंकि हम सिनोनिम इसका पढ़ रहे हैं तो सिनोनिम का तो मतलब ही होता है कि जो भी वर्ड का मीनिंग अगर इसके एग्जैक्ट मीनिंग होगा तो कहीं ना कहीं इसके मीनिंग से रिलेट करना चाहिए। कैसे? देखिए आप सपोज कीजिए यहाँ पे सगेशन का मतलब क्या था, बुद्धिमानी। जो इंसान बुद्धिमानी होगा वो समझदार भी होगा, जो इंसान समझदार होगा वो चतुर भी होगा, जो इंसान चतुर होगा राइट वो इंसान पढ़ा लिखा भी होगा, ठीक है, वो एक जागरूक भी होगा इंसान। तो देखा जाए तो ये सभी के सभी वर्ड इसके इस वर्ड से कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो भी वर्ड या तो रिलेट करे या फिर वो इसके आसपास इसका मीनिंग शो करता हो तो उसको हम बोलते हैं वहां पे सिनोनिम। तो आइए हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ज्यूडिशियस, JUDICIOUS, ज्यूडिशियस। देख लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे OUS ऐड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको यहाँ पर एडजेक्टिव। दैट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है? देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा है डिस्क्रीट, DISCREET, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकी, ठीक है, विवेकी का मतलब होता है कि एक ऐसे इंसान जो हर काम बहुत ही बुद्धिमानी से करता है उसको हम बोलते हैं वहां पर डिस्क्रीट। राइट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड लिखा है परसेप्टिव, PERCEPTIVE, परसेप्टिव, राइट। तो देखिए यहाँ पे परसेप्टिव जो होता है, परसेप्टिव का मतलब भी क्या होता है, बुद्धिमानी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि परसेप्टिव पे यहाँ पे मतलब, यहाँ पे मतलब इन द सेंस क्या हुआ, यानी कि ये एडजेक्टिव नाउन क्या है, ये भी यहाँ पे होगा एडजेक्टिव। वाई? बिकॉज इट शोज द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। राइट स्टूडेंट तो समझ में आ रहा है? तो देखिए अब जैसे मैंने ये एक वर्ड लिखा था यहाँ पर परस्पिकैशियस, राइट, ये क्या था यहाँ पर, ये था यहाँ पर एडजेक्टिव। अगर मुझे इस वर्ड को बेसिकली अगर एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो एडवर्ब में हम कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे, हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर पाएंगे इसमें एलवाई लगा के, यानी कि मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको अगर एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा इसको PERSPICAOUSLY, राइट, इट इज वेरी इजी। राइट स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? इट इज वेरी इजी पर स्पीक कैशियसली। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसको हम नाउन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम सिंपली नाउन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, इस क्लास में NES ऐड करेंगे, यानी परस्पिकैशियसनेस, PERSPICAOUSNESS, परस्पिकैशियसनेस। और ये क्या हो गया हमारा नाउन और ये हो गया हमारा यहाँ पर एडवर्ब। राइट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए हमने तो केवल किसका मीनिंग याद किया है, परस्पिकैशियस का, जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परस्पिकैशियसली का मीनिंग क्या होगा तो आप मुझे बोलेंगे बुद्धिमानी ढंग से। अगर मैं आपसे पूछूं कि परस्पिकैशियसनेस का मतलब क्या होगा तो आप मुझे बोलेंगे बुद्धिमानी, राइट, या बुद्धि, या फिर राइट स्टूडेंट इतना समझ में आ रहा है? तो ये क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन। अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइज जो कि एक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब किस तरह से बनाएंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एडजेक्टिव के लास्ट में LY ऐड करना है, WISELY, वाइजली। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, एडवर्ब। अगर मैं पूछूं आपसे किसका नाउन किस तरह से बनाएंगे तो देखिए वाइज का नाउन भी वाइज ही होता है, यानी कि एक वर्ड एक से ज्यादा मेन रोल प्ले कर सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, एक वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकती है, एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है, राइट। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं कि सेंसिबल का एडवर्ब किस तरह से बना पाएंगे, बता सकते हैं मुझे किस तरह से बना पाएंगे? तो देखिए इसका एडवर्ब बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा,
इस क्लास में एलवाई ऐड करना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पर लिखेंगे सेंसिबली, सेंसिबली राइट, एलवाई ऐड किया मैंने यहाँ पे। अच्छा अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका नाउन क्या बनेगा, तो इसका नाउन बनाने के लिए हमें हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली इसका नाउन बनाएंगे सेंस, एस ई एन एस ई सेंस, जिसको हम फील कर सकते हैं राइट स्टूडेंट। देखिए जैसे जैसे आप इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आप सीखेंगे धीरे धीरे, तो खुद ब खुद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली जाएगी कि हमने किस कैसे नाउन में कन्वर्ट कर लिया एक ही वर्ड को, और किस तरह से हमने एक ही वर्ड को एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया। तो अगर मैं बात करूं जुडिशियस, देखिए अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं कि जुडिशियस का एडवर्ब क्या होगा, जुडिशियसली एलवाई ऐड करना है राइट। अगर मैं आपसे बात करूं कि डिस्क्रीट का एडवर्ब क्या होगा, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, कैसे बनाओगे एडवर्ब, डिस्क्रीटली यानी कि डिस्क्रीटली। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसका नाउन किस तरह से बना सकते हैं आप, तो हमने पढ़ा है कि जिन भी वर्ड क्लास में हम एन ई एस एस एड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नाउन। तो मैंने अब लिखा डिस्क्रीटनेस, क्रिटनेस, एन ई एस एस, डिस्क्रीटनेस राइट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। देखिए परसेप्टिव, अब हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है कि जिनके भी लास्ट में आई बी ई एड होता है उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव राइट स्टूडेंट। और देखिए ऐसा नहीं है कि परसेप्टिव के लास्ट में लिखा है आई बी ई तो इसलिए परसेप्टिव ही एडजेक्टिव होगा, यानी कि दुनिया का कोई भी वर्ड, लाखों करोड़ों इंग्लिश के वर्ड में से कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आई बी ई एड होगा उसको हम बोलेंगे वहां पर एडजेक्टिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एडवर्ब किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए डियर स्टूडेंट इसका एडवर्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी आर सी ई पी टी आई वी ई एल वाई परसेप्टिवली, ये क्या बन गया हमारे यहाँ पर, ये बन गया हमारे यहाँ पर एडवर्ब राइट। इतना समझ में आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका नाउन किस तरह से बनाएंगे आप, तो देखिए नाउन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली एडजेक्टिव में एन ई एस एस को एड करना होगा। तो मैंने यहां पे लिखा परसेप्टिवनेस, परसेप्टिवनेस। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि अब हम अच्छे से ये समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में सिनोनिम का मतलब क्या होता है, और हमने एक वर्ड अगर लर्न किया है तो उससे हम बाकी तीन या चार वर्ड उसी तरह किस तरह से बना सकते हैं और उनका मीनिंग भी हम किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके एंटोनिम के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ओके थैंक यू सो मच।